अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज एडवोकेट असलान एंड यू आर वाचिंग लीगल माइंड्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने पहले 5 सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी पढ़े थे, जिसमें हमने डेफिनेशंस को भी कवर किया था। आज हम सेक्शन 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज। क्रिमिनल कोर्ट्स कैसे बनती हैं और इसके ऑफिसेज कहाँ कहाँ होंगे, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। सेक्शन नंबर 6 ऑफ सीआरपीसी, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड मजिस्ट्रेट्स। ये सेक्शन हमें क्लासेस के बारे में बता रहा है कि क्रिमिनल कोर्ट्स कितनी तरह की होती है और इसी तरीके से जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो कितनी तरह के होते हैं। सो देयर आर टू टाइप ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। फर्स्ट वन इज कोर्ट ऑफ सेशन एंड सेकेंड वन इज कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स। अक्सर लोग इसको सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रियल कोर्ट्स भी बोलते हैं, लेकिन जो लॉ के टर्म में इसके लिए टर्म यूज होती है वो है कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स। तो हम एग्जामिनेशन में इस चीज का जरूर ख्याल रखेंगे कि हम वहां पे सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट की कोर्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट की टर्म यूज करेंगे। अब इसी सेक्शन में क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट प्रोवाइड की गई हैं। सो देयर आर 3 क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास। सेक्शन 7 सेशन डिवीजंस और डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। अब एक जो प्रोविंस है उसको फर्दर आगे डिफरेंट लोकल एरियाज में डिवाइड किया गया, तो उन जो एरियाज के डिफरेंट नाम है वो उनको हम सेशन डिवीजंस कहते हैं। और ये जो सेशन डिवीजंस है ये आगे फर्दर आगे डिवाइड होते हैं ताकि छोटे छोटे एरिया को अच्छी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। तो ये जो सेशन डिवीजंस आगे डिवाइड होते हैं डिफरेंट एरियाज में, उन एरियाज को हम डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं। एक सेशन डिवीजन जो है वो या तो एक डिस्ट्रिक्ट पर भी मुश्तमिल हो सकता है या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। ये जो इनके लोकल एरियाज हैं या लोकल लिमिट्स हैं सेशन डिवीजन्स की और डिस्ट्रिक्ट्स की, इनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के जरिए इनको अल्टर कर सकती है। सेक्शन नंबर 8, ये सेक्शन जो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर देता है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हमने पढ़े हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर आगे सब डिवीजन्स में डिवाइड करे। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि बड़ा है, जो कि एक ही जगह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो उसको फर्दर आगे सब डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है। तो इसकी भी जो लिमिट्स हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही अपने नोटिफिकेशन में देती है कि किस जो है वो सब डिवीजन की कितनी लिमिट है। सेक्शन नंबर 9 कोर्ट ऑफ सेशन, ये हमें बताता है कि एक कोर्ट ऑफ सेशन आखिर एस्टेब्लिश कैसे होती है। हम देखते हैं जी डिफरेंट एरियाज में जो है वो कहीं पे कोर्ट ऑफ सेशन है, मजिस्ट्रेट है, हाई कोर्ट है, तो ये जो हम सेशंस पढ़ रहे हैं ये हमें ये बता रहे हैं कि किस तरीके से कोर्ट्स एस्टेब्लिश होती हैं, इनको एस्टेब्लिश करने की पावर किनके पास है और इनकी जो एरियाज हैं वो कौन सी जो गवर्नमेंट है वो अल्टर कर सकती है और ये पावर्स किनके पास है, इनके ऑफिसेस किधर किधर होंगे, तो ये सेशन हमें ये बता रहे हैं। सेक्शन 9 जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बताता है कि जो सेशन कोर्ट है ये एक डिवीजन पर मुश्तमिल हो, जो एक सेशन डिवीजन है उसमें एक कोर्ट ऑफ सेशन होगा और वहां का जो जज होगा वो सेशन जज कहलाएगा और वो उस ऑफिस को संभालेगा। इसी तरीके से जो इनकी प्लेस ऑफ सिटिंग है, अब पूरा सेशन डिवीजन है, आखिर वो सेशन जज किधर बैठेगा, कौन सी जगह पे अपनी सिटिंग करेगा और वहां पे अपने ऑफिशियल मामला जो है उनको देखेगा, तो ये भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो डिसाइड करे कि एक सेशन जज जो सेशन डिवीजन का सेशन जज है वो कहाँ पर बैठेगा। इसी तरीके से जो लोकल लिमिट्स हैं, जो लोकल एरियाज हैं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको ऑर्डर कर सकती है और जो सेशन जज हैं इनके साथ एडिशनल सेशन जजेस भी लगाए जा सकते हैं या असिस्टेंट सेशन जजेस भी है वो भी साथ इनके अपॉइंट किए जाते हैं ताकि वो इनकी मदद कर सके। ये जो पावर है ये भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। उसके अलावा अगर कोई सेशन जज अपने सेशन डिवीजन में एज अ सेशन जज काम कर रहा है, अपना कोर्ट ऑफ सेशन को संभाल रहा है, वो किसी दूसरे सेशन डिवीजन का भी एडिशनल सेशन जज लग सकता है, तो वो दोनों जो एरियाज हैं उनके जो ऑफिशियली मामला आते हैं, जुडिशरी के मामला आते हैं, उनको संभाल सकता है। तो ये जो तमाम पावर्स हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो सेशन जजेस को प्रोवाइड करती हैं। सेक्शन नंबर 10 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स। अब ये सेक्शन हमें ये बताता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा।
जैसे एक सेशन डिवीजन में एक कोर्ट ऑफ सेशन होता था, वहां पे सेशन बैठता था, इसी तरीके से एक जो डिस्ट्रिक्ट जज है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो एक डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो यहाँ पे हमें वाजे फर्क नजर आ रहा है कि वो डिवीजन का जो होगा वो सेशन जज होगा, और जो डिस्ट्रिक्ट का होगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। इसकी भी पावर्स जो है या प्लेस ऑफ सिटिंग जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिफाइन करती है। उसके अलावा इसमें कुछ सेक्शंस की बात की गई है, जो 407 है वो तो ओमिटेड हो चुका है, और जो 192 का सब सेक्शन 1 लिखा हुआ है, ये कोर्ट्स के सब ऑर्डिनेट होने की बात की गई है कि कोई भी सुपीरियर कोर्ट जो है वो केस को ट्रांसफर कर सकती है एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट जो कि उसकी सब ऑर्डिनेट है। इसी तरीके से हम जानते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं ये कोर्ट ऑफ सेशन की सब ऑर्डिनेट होती हैं। सेक्शन 14 जो कि हमें स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बारे में बताता है। अक्सर हम मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में सुनते हैं, सेशन जजेस के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी तरीके से जो लॉयर्स प्रैक्टिस करते हैं उनको पता होगा कि जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनकी भी कोर्ट्स होती हैं। वो एक स्पेशल टाइप ऑफ केसेस को देख रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ केसेस को देख रहे हैं। अब कोई रेंट के मामला आता है या कोई नादरा के मामला आता है, तो इन क्लासेस को जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। जो नादरा का जज है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो नादरा के केसेस सुनेगा। इसी तरीके से जो रेंट कंट्रोलर है वो सिर्फ रेंट के सुनेगा। मतलब एक एक क्लास जो है वो डिवाइड कर दी जाती है। तो इसको हम कहते हैं स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कि वो स्पेशली किसी एक क्लास के लिए एक्ट कर रहा होता है। इसकी भी जो पावर्स है या प्लेस ऑफ सिटिंग है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिफाइन करती है। उसके अलावा इनकी जो पावर्स अल्टर होती हैं या इनकी जो क्लासेस चेंज होती हैं, कुछ एक जज कुछ अरसे के लिए कुछ क्लास को देखता है, दूसरे अरसे के लिए दूसरी क्लास को देखता है, तो ये जो उनकी क्लास चेंज होती है इसकी पावर भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। उसके अलावा जो इनकी अपॉइंटमेंट है, उस अपॉइंटमेंट के लिए हाई कोर्ट ये रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है कि फलां जज को जो है वो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट लगाया जाए फलां क्लास के लिए, क्योंकि हाई कोर्ट को इल्म होता है कि ये जो जज है ये किन मामलात में या किस टाइप के केसेस में ज्यादा एक्सपर्ट है, तो इसलिए हाई कोर्ट रिकमेंडेशन देती है, या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो हाई कोर्ट से रिकमेंडेशन मांग लेती है और फिर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो अपॉइंट किए जाते। सेक्शन 14A, अब ये जो सेक्शन है ये स्पेशल मजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं। जो पिछले हमने पढ़ा है वहां पे वर्ड था स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो जुडिशली एक्ट कर रहे थे, लेकिन ये स्पेशल मजिस्ट्रेट होता है। ये जो है ये प्राइस कंट्रोल के मामलात को देखता है, जो प्राइस कंट्रोल के ऑफेंसेस होते हैं उनके मामलात को देखता है। कोई भी पर्सन है उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करती है, और उस पर्सन के पास जो है, उस मजिस्ट्रेट के पास जो है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर्स होती हैं। ये जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जो ये डिवाइड की गई है, ये इनकी पावर्स की वजह से इनको डिवाइड किया गया। तो जो स्पेशल मजिस्ट्रेट है उसके पास मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर्स होंगी, और ये जो पावर्स हैं या उसके लोकल एरियाज में जो वो काम कर रहे हैं उन एरियाज को अल्टर करने की पावर भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। सो अगर ये जो स्पेशल मजिस्ट्रेट है वो किसी फेडरल के एरिया में काम करता है तो वो फेडरल लॉ के मुताबिक करेगा, और फेडरल हुकूमत जो है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो उसको अपॉइंट करेगी। इसी तरीके से अगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एरिया में काम कर रहा है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लॉ के मुताबिक ही वहां पे एक्ट कर रहा होगा। उसके बाद आज की वीडियो का लास्ट सेक्शन जो कि सेक्शन नंबर 15, बेंचेस ऑफ द मजिस्ट्रेट। कोई भी दो या दो से ज्यादा जजेस को प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है कि आप एज अ बेंच काम करेंगे, तो वो जो दो से दो जजेस बैठ के केस को सुनते हैं उसको हम बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट्स कहते हैं। इनकी जो पावर्स हैं, इनकी प्लेस ऑफ सिटिंग है, इनके जो ऑफिसेज हैं, इनके जो लोकल एरियाज हैं, जिनकी जो ज्यूरिसडिक्शंस हैं, वो तमाम जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको डिटरमाइन करती है। और अगर इनकी जो पावर्स हैं वो स्पेशली किसी डायरेक्शन के जरिए उनको डिफाइन अगर नहीं किया गया, तो यही अंडरस्टूड किया जाएगा कि उस बेंच में जो सबसे हाईएस्ट रैंक का या हाईएस्ट क्लास का जो अफसर बैठा हुआ है, जो उसकी पावर्स हैं, वही पावर्स पूरे बेंच को हासिल होंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो पोर्शन है ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा। हम इसको फर्दर अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।